सुलह हुदैबिया के मौके पर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को नुमाइंदा बनाकर मक्का मुकर्रमा भेजा गया तो कुरैश मक्का ने मुसलमानों को मक्का में दाखिल होने की इजाज़त ना दी। जब सहाबा इकराम को पता चला तो बहुत अफसरदा हुए। बाज़ ने कहा कि वो खुशकिस्मत हैं कि बैतुल्लाह का तवाफ़ करके आएंगे। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उस्मान मेरे बग़ैर तवाफ़ नहीं करेंगे। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब वापस आए तो सहाबा ने पूछा, क्या आपने बैतुल्लाह का तवाफ़ भी किया? उन्होंने जवाब दिया कि अल्लाह की कसम, मुझे तवाफ़ करने के लिए कुरैश इसरार करते रहे, अगर मैं वहाँ एक साल भी मुकीम रहता तो भी नबी अलैहिस्सलाम के बग़ैर तवाफ़ ना करता। एक मरतबा हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब नबी अलैहिस्सलाम, हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हमरा उनके घर की तरफ चले, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सारा रास्ता नबी अलैहिस्सलाम के कदम मुबारक की तरफ देखते रहे। सहाबा किराम ने जब ये बात नबी अलैहिस्सलाम को बताई तो आप अलैहिस्सलाम ने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से उसकी वजह दरियाफ़त की। अर्ज़ किया, ए अल्लाह के महबूब, आज मेरे घर में इतनी मुकद्दस हस्ती आई है कि मेरी खुशी की इंतहा नहीं। मैंने नियत की थी कि आप जितने कदम अपने घर से चलकर यहां आएंगे मैं उतने ग़ुलाम अल्लाह ताला के रास्ते में आज़ाद करूंगा। अल्लाह ताला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और इत्तेबा हमें सिद्क और इखलास के साथ नसीब फरमाए।